लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वरुण गांधी को बीजेपी से जो तगड़ा झटका लगा है, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वरुण गांधी की सियासत का अंत हो गया है या फिर उनके आगे की रणनीति क्या होगी। क्या वो बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल होंगे या निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया है। सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि अब वरुण गांधी निर्दलीय ही पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कुछ दिन पहले ये खबर भी सामने आई थी कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र खरीद लिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि वो पीलीभीत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि वरुण गांधी साइकिल पर सवार हो सकते हैं। खुद कुछ दिन पहले अखिलेश ने एबीपी नेटवर्क के कार्यक्रम में बोला था कि उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा। इस बीच पीलीभीत से सपा उम्मीदवार भगवत सरन ने भी बड़ा बयान दिया था कि अगर वरुण गांधी सपा में आते हैं तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे। बहरहाल अब सभी की नजरें पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के फैसले पर टिकी हैं कि वो 2024 के चुनाव में क्या करने वाले हैं। उनके पास सवाल भी है कि वरुण गांधी के उस फैसले से किसका खेल बिगड़ेगा, एनडीए या इंडिया का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।